अगला उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच भी कराया गया है, चैनल पर वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो झूठा सच यशपाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि पर रचित है। इसमें दो खंड है, वतन और देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का क्या आलम था। तारा ही इस उपन्यास की वह लड़की है जो सबसे ज्यादा विभाजन की पीड़ा जिसे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही परेशान हुई है पूरे उपन्यास में। इस उपन्यास में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक और इंजीनियर नरोत्रम जैसे चरित्र देखने को मिलते हैं जो आज़ादी का सम्मान भी करते दिखाई देते हैं और अपने पथ पर ईमानदारी से डटे हुए भी दिखाई देते हैं। और विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दावपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, ये सारी की सारी चीज़ें और स्वतंत्रता के बाद की जो सामाजिक स्थिति रही है, उन सब का वर्णन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। आप एक बार इसका सारांश देखेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी माइंड में। मुख्य पात्रों को देख लेते हैं और कुछ अन्य पात्रों को भी इसमें हम देखेंगे। जैसे तारा है, मध्यवर्गीय है लेकिन प्रगतिशील सोच की परिचायक है, एक आम लड़की है। ठीक है, विभाजन की त्रासदी को सबसे ज़्यादा तारा ही झेलती है। जयदेवपुरी है, मध्यवर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, विभाजन के कारण परिवार से अलग हो जाता है और बाद में कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनता है और विधायक भी बनता है। कनक है, संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच वाली लड़की है, जैसे जयदेव से प्रेम विवाह करती है और बाद में फिर दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। एक बार आप जब इसका सारांश वाला वीडियो देखेंगे ना तो ये सारी की सारी कहानी आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएगी। अन्य पात्रों की बात करें तो असद है, लाहौर में कामरेड है, मतलब कामरेड युवा है, कम्युनिस्ट पार्टी का युवा है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। शीला है जो राम ज्वाला की पुत्री है। ठीक है, दो पात्र मिलते हैं इसमें जहाँ से शुरू होता है, राम ज्वाला और राम दुभाया। और उसके बाद डॉक्टर प्राणनाथ है, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सोमराज है जो एक आवारा युवक है जिसका विवाह तारा से होता है। पंडित गिरधारी लाल है जो नया हिंद पब्लिक के मालिक हैं, पब्लिकेशन के मालिक हैं। महेंद्र नैयर हैं, वकील हैं। कर्मचंद्र कशिश पैरोकार पत्रिका में मुख्य संचालक हैं। दौलू मामा हैं जो शरीफ भोला आदमी के रोल में यहाँ पे दिखाई देते हैं और अकारण जो है बलि का बकरा बनते हैं सांप्रदायिक दंगों के। रतन शिशो का प्रेमी है। गौस मोहम्मद प्रकाशक है, महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है। कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री हैं। मेहर कौन है, दंगे में भटकी तारा की साथी है। और नब्बू जो है तारा से बलात्कार करने वाला है। ठीक है, तारा से जो बलात्कार करता है वो नब्बू है। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले का हाफिज है। विश्वनाथ सूद पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। उर्मिला बंती, ठीक है, प्रसाद अग्रवाल साहब, ये अग्रवाल साहब दिल्ली बड़े व्यापारी हैं। पुरुषोत्तम है, अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है। नरोत्तम है, मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र भी है। ठीक है, पुरुषोत्तम और नरोत्तम अग्रवाल के दो बेटे हैं। मिस्टर रावत सचिव है गृह मंत्रालय में। तो इसी तरीके से अन्य पात्र हैं, डॉक्टर श्यामा है, तो ये डॉक्टर है और कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है। इस तरीके से ये रहा झूठा सच के प्रमुख पात्रों को हमने देखा, इसके बारे में जो जरूरी चीज़ें थी उसको देखा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट है इसका देश का भविष्य।